मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एवं संपर्क फाउंडेशन की पहल संपर्क स्मार्ट शाला व स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चरगावा व जंगल कौड़िया ब्लॉक के 5 बेसिक विद्यालयों के लिए किट वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के समय में किस तरह से शिक्षा दिया जाए, यह उस समय देखने को मिला जिसकी तारीफ पूरे भारत में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया जाए तो वह स्कूल जाने के लिए मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों से मिलता रहता हूं और उनसे स्कूल जाने के लिए पूछता रहता हूं, तो बच्चे बताते हैं कि वह स्कूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन 2017 में सरकार में आने के बाद यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसके बाद विद्यालयों में 1,00,000 से ज़्यादा पारदर्शी तरीकों से शिक्षकों की भर्ती की गई। अब विद्यालयों में बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पर उनको खेल की तरह पढ़ाया जाता है। यदि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दिया जाए तो वह जल्दी सीख जाते हैं, इससे बच्चा पढ़ाई में निपुण हो जाता है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गर्वन स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर होता हुआ श्री राम प्रताप मौर्य जी चरगामा ब्लॉक विद्यालय के लिए स्मार्ट किट संपर्क फाउंडेशन की ओर से प्राप्त करते हुए सुश्री संगीता सिंह मैम चरगामा ब्लॉक प्राथमिक विद्यालय रामपुर चक और वो टीचर भी जो मल्टीग्रेड क्लासरूम पढ़ा रही है उसके लिए भी बहुत डिफिकल्टी होती है। वही सोच से हमने एक लैंग्वेज किट बनाया है जो ऑडियो बॉक्स में है, जिसमें कहानी राइम्स और उन्हीं चीजों के थ्रू हम लैंग्वेज सिखाते हैं, जिससे बच्चे को वो इमर्सिव प्रोग्राम मिले जो कहीं और नहीं मिला। ये दूसरा नवाचार था। तीसरा नवाचार जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चा प्रोनाउंसिएशन किसी चीज का नहीं कर पाता है, और जब पढ़ता है वो उस चीज को पहचान नहीं पड़ता वो क्या पढ़ रहा है। तो इसलिए उसके मोबाइल में, हर पेरेंट के मोबाइल में हमने एक डिवाइस डाला है, एक ऐप डाला है, जिससे बच्चा जब चीज को पढ़े तो वो डिवाइस उसका प्रोनाउंसिएशन कितना परसेंटेज सही हुआ है, कितना परसेंटेज गलत हुआ है वो बताएगा। और सारे टीचर्स को वो डिवाइस दिया गया है कि जो भी लेसन है उसका सही उच्चारण वो डिवाइस पढ़ के दिखाएगा, और उसका हर शब्द का मतलब बताएगा कि इस हर शब्द का मतलब क्या है। ISSF प्रेसिडेंट संपर्क फाउंडेशन है। इसके पहले नीति आयोग के स्पेशल सेक्रेटरी रहे और नीति आयोग में शिक्षा, महिला कल्याण, अर्बन डेवलपमेंट आदि विषय को देखते रहे। आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लगाव शिक्षा क्षेत्र से है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया, जिसमें अंतर विभागीय समन्वय से करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और 19 मानकों पर इसमें कार्य हुआ। आप सभी ने महसूस किया होगा, देखा होगा कि हर विद्यालय में, हर गांव में, विद्यालयों में कितना बदलाव आया है। पिछले वर्ष महोदय जो धर्मशाला में कॉन्फ्रेंस हुई माननीय PM सर की अध्यक्षता में, जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज ने और शिक्षाविदों ने प्रतिभाग किया, उसमें UP का ये जो कायाकल्प मॉडल है उसका प्रेजेंटेशन हुआ। मैंने ही प्रेजेंटेशन किया, उसकी चहुं ओर उसकी सराहना हुई और नीति आयोग ने उसको बेस्ट मॉडल के रूप में, बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में अन्य प्रदेशों को भी उसको सर्कुलेट किया। उसके पहले का इतिहास था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा था और स्कूल भी जो ना वहां पे कुर्सियां थी ना कुछ था, आधा स्कूल गिरा हुआ था, उसमें हम पढ़ते थे। क्योंकि पिताजी पुजारी रहे तो उनको देखता था, श्लोक वगैरह पंचांग पढ़ते थे, हमको लगता था कुछ तो पढ़ रहे हैं, जीवन में कोई कुछ कारण है पढ़ने का। बाकी तो सब समझ ही रहे हो, पिछले टाइम पे सर एजुकेशन वगैरह को कोई अहमियत ही नहीं थी, ना कभी बताया जाता था कि कितना इसका पावर है। वेल, पढ़ते गए क्योंकि पिताजी बहुत मारते थे हमको, हम पढ़ने में अच्छे नहीं थे, मार खा खा के उनके मार के डर से स्कूल जाते थे। वहाँ से थोड़ा बोध हुआ, थोड़ा गिरते पढ़ते हम आगे गए, पढ़े पढ़े, अंग्रेजी में हाथ एकदम तंग था मेरा, हाँ अंग्रेजी नहीं, अब मुझे 9 भाषाएं आती हैं।
मेरी हर भाषाओं में आपने फिल्म देखी है। फिर मैंने क्या किया, बच्चों सुन लो, अंग्रेजी में हाथ तंग रहता है, मैंने बात करना शुरू किया, क्योंकि फिल्म लाइन में काम नहीं देते थे, वहाँ इंग्लिश बोलने वालों को समझते थे कि पा इसको बगल में बिठा सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी बोलता है। तो मुझे काम चाहिए था सिनेमा में, मुझे एक्टिंग करनी थी, मुझे जरूरी था, तो मैं अंग्रेजी में बात करने लगता था, कैसे भी टूटी फूटी, शर्म मैंने बेच दिया था। सबसे पहले मैंने शर्म ही बेच दिया, शर्माना नहीं है, अगर जीवन में कुछ पाना है भाई, काम ही मांग रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं। तो हम जाते थे, हम तो अंग्रेजी में बोलते थे, टूटी फूटी, लोग करेक्ट, सामने वाला खुद ही करने लगता था, जो अंग्रेजी का ज्यादा ज्ञानी रहता था वो आपको तुरंत, ज्ञानी बहुत मिलते ना रोज जीवन में, आपको सुधारने यहाँ बहुत सारा ज्ञानी बड़ा है, बैठे खाली केवल से पूछ ले वो तो 10 ठीक ज्ञान एक का कमरा में मिल जाए, ज्ञानी लोगन का कमी ना बा, खाली हल्के से पूछे के बाटे कुल ज्ञान लोग इतना परोस दिए, उसमें बढ़िया ज्ञान ले लो, गलत ज्ञान को त्याग दो। मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री श्रीराम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर बिप्लेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक श्री दीपक कुमार जी, प्रबंध निदेशक संपर्क फाउंडेशन तथा संपर्क फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, गोरखपुर नगर और चरगावा विकास खंड से जुड़े हुए सभी विद्यालयों के हमारे शिक्षक और अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक अभिनव कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और वह है कि संपर्क फाउंडेशन बेसिक शिक्षा परिषद के साथ मिलकर के स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहा है। यह एक अभिनव पहल है, हम सब इस बात को जानते हैं, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना मार्च 2020 से लेकर के गत वर्ष तक समाज के प्रत्येक तबके ने किया था, परिणाम हम सबके सामने है। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी, उस समय इस बात का एहसास हो रहा था कि वास्तव में अगर इस प्रकार की महामारी एक लंबे समय तक रही तो संकट, यद्यपि मानवता के सामने संकट था, लेकिन इस सब के बावजूद सर्वाधिक जो पक्ष प्रभावित हुए थे उनमें स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र थे और उस समय अनेक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार ने प्रारंभ किए थे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम शिक्षा की इस स्थिति में कैसे सुधार ला सकते हैं कि जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे, जिन बच्चों के सामने गाइड था या स्कूल गांव के स्तर पर लोगों में थोड़ी भी जागरूकता थी वहां पर तो बच्चे जैसे तैसे फिर भी पढ़ पा रहे थे, लेकिन जहां पर संवाद नहीं था, लोगों के स्तर पर कोई प्रयास नहीं हो पा रहा था,
वहां पर बच्चों के सामने एक संकट आया था, क्योंकि परीक्षा भी नहीं हुई थी, 2 वर्ष तो प्रमोट करना पड़ा था। और फिर ये बात सामने आई कि नहीं, हमें अपने आप को तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यद्यपि संपर्क फाउंडेशन पहले से ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिजिटल इंडिया की जब बात की तो पहले तो लोगों को लगता था इतने बड़े देश में क्या ये संभव हो पाएगा, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के चमत्कारिक परिणाम हम सबके सामने हैं। आज हर एक स्तर पर भारत दुनिया के अंदर इस क्षेत्र में लीडरशिप देने की स्थिति में है। को लगता है कि नहीं, यहां पर तो एक परंपरागत रूप से जो चीजें चली आ रही उसी ढंग से उसको उठाने का काम कर रहे हैं, वहां पर अगर उन बच्चों से मैं कहता हूं चलो स्कूल क्यों जा रहे हो, चलो मेरे साथ, वो मेरे साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं चलो स्कूल से कम छुट्टी मिल गई, लेकिन हमें उनके मन में एक रुचि जगानी है और मुझे लगता है कि वह एक माध्यम बन रहा है दूसरा तकनीक का भी बेहतर उपयोग करना, निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में क्या हमने प्रयास किया है, आज इसको जानना है। एक जगह बैठे बैठे हम प्रदेश भर के उन बच्चों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद ने विगत 6 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगाई है, याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या थी। बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूल ऐसे लगते थे कि लगता है कि अगले 2-3 सत्र के बाद इन सबको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, घास उगी हुई थी, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, कुछ भी वहां पर ऐसी सुविधा, फ्लोरिंग नहीं थी, उन स्थितियों में बच्चे वहां पढ़ते थे और वह भी एक औपचारिकता थी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में कुल 156,000 जो स्कूल थे उनमें से लगभग उनमें 1,34,00,000 के आसपास बच्चे बामुश्किल स्कूल आ पाते थे। शिक्षकों की भारी कमी थी, उस समय मेरे सामने चैलेंज था कि न्यू है समाज की और यही दरक जाएगी तो समाज रूपी भवन बनेगा कैसे, कैसे हम बना पाएंगे। और उस न्यू को मजबूत करने के लिए उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया था, संकल्प एक पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। प्रदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में हम लोगों ने 1,65,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती की और पारदर्शी तरीके से प्रवेश करने की।